लिखा है कि मेडिकल कॉलेज चंदौली में मेडिकल कॉलेज को 100 बेड का जो हम लोग सरकार में बनी थी जच्चा बच्चा को जो चला गया था मान जाएगी वो और 100 बेड का जो कमलापति है वो 300 बेड बन रहा है 500 बेड मिला के मेडिकल कॉलेज को जा रहा है। मेडिकल कॉलेज की मान्यता भी शायद नहीं मिली है ऐसा मालूम हुआ। ये हॉस्पिटल को बंद करने की बात चल रही है, ये हॉस्पिटल इतनी गर्मी भी नहीं हो रही कोई बात नहीं, 500 बेड का हॉस्पिटल ये हो जा रहा है। तो ये जो पंडित कमलापति त्रिपाठी जी जो चिकित्सालय है इसके जितने लोग हैं उनको जिला विधान क्या बोलते हैं तहसीलों में उनके लोगों को लगाने की बात चल रही है। तो मैंने एक प्रस्ताव रखा था सीएमओ साहब से कि इसको बंद न किया जाए, ये जिला चिकित्सालय को अमड़ा में इतनी बड़ी बिल्डिंग पड़ी है वहां पर उसको ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि लोग, क्योंकि मैं जब जाता हूँ यहाँ पे कमलापति में तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे 1500 लोग लाइन लगा के इलाज कराते हैं। अगर बंद हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 1 रुपया में इलाज होता है, बाकी मेडिकल कॉलेज तो 50 रुपये की स्लिप होगी। तो इसलिए के पीछे बबरी बनकर तैयार है जी 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 हाँ ठीक है वही हो जाए कोई मतलब दिक्कत हो जाए पहले दिक्कत तो समझिए दो तीन तरह की समस्या हो। पहला तो ये था कि कमलापति हॉस्पिटल जो है वो 100 बेड का और बबरी हो चाहे कमरा हो 30 बेड। दूसरी बात सर जो सिटी स्कैन मशीन हमारी लगी हुई और ब्लड बैंक ये दोनों ही चीज़ें हमारी कमलापति में है, जब मरीज को जरूरत पड़ती है तत्काल वहीं पर सिटी स्कैन भी होता है ब्लड भी मिलता है। अगर हमारा ये बबरी शिफ्ट किया गया वही यहाँ के लोग वहाँ जाके इलाज करें और वहाँ मेरा नहीं है बंद हो रहा है तब मैं बोल रहा हूँ बंद करने की जगह पे शिफ्टिंग में बंद नहीं हो रहा बंद नहीं तो वो मेडिकल कॉलेज क्यों चला गया जिला चिकित्सालय कैसे रहेगा। जिला चिकित्सालय अलग चीज है मेडिकल कॉलेज अलग चीज है उसके डॉक्टर अलग है उसके पूरे स्टाफ अलग है। आप बताइए मेडिकल कॉलेज का जो एकेडमिक ब्लॉक है नौबतपुर में वो सिर्फ एकेडमिक ब्लॉक है वहाँ पर सिर्फ टीचिंग बाकी सभी मरीजों का इलाज उपचार उनका भर्ती यही कमलापति के नाम से होगा या मेडिकल कॉलेज के नाम से होगा। सर इसमें उसमें जो लिखा हुआ है मेरा नाम संबद्ध हाँ संबद्ध पंडित कमलापति त्रिपाठी जिला चिकित्सा संबद्ध बॉडी सर तो उसमें सारी सुविधाएं हमारी सर यदि अगर जिस तरीके से पूर्व की भांति यहाँ के जनपद के मरीजों का इलाज जो है कंपनी को चिकित्सालय में हो रहा है तो क्या ये उसी तरीके से होता रहेगा? उसी तरीके से होता रहेगा बल्कि अब जो मेडिकल कॉलेज के जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सुविधाएं बढ़ेंगी वो एडिशनल फैक्टर और ऐड होंगे कमलापति त्रिपाठी में। तो जो हमारा जो भी कंजेस्टेड है जैसे वॉर्चुरी बन रहा है या हॉस्पिटल बन रहे हैं या ऑक्सीजन प्लांट्स बन रहे हैं तो वो हमारी एडिशनल हमारी और ज़्यादा सुविधाएँ हम मिले रहेंगे। ये दूसरी बात जैसा है जो सीएससी सेक्टर ही होता है 30 बेड का जी तो जो बबरी में बना है सीएससी सेक्टर जी जी और अभी अमड़ा में बता रहे हैं जी जी नहीं सर अमड़ा वाला सर थोड़ी स्थिति अलग है अमड़ा की सर बिल्डिंग में से 72 मेहमानी है उद्घाटन किया तो उसके बाद से 50 सालों में बिल्डिंग की हालत बहुत खराब हो गई है उसका कभी वहाँ पर 10-12 बार काम कर चुका है और डीएम साहब से बात हुई थी एक्सीएम साहब ने उसको ध्वस्त करने के लिए रिपोर्ट करा दी कि बिल्डिंग का निर्माण योग्य नहीं है इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता तो वो बिल्डिंग जो है उसको डिमोलिश करके और जो वहाँ मनोविज्ञान की खत्म की बात की है उस परिसर के रेजिडेंशियल क्वार्टर भी बने वो भी हम रिपेयर कर देंगे। 2014-15 में बना है जी ये 14-15 की बिल्डिंग